सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू फॉक्सवैगन वर्टस 1.5 लीटर इंजन के साथ में। फिलहाल ये 1.5 लीटर इंजन हाईवे पे कैसी परफॉर्मेंस देता है, सिटी में चलाने में कैसा है, ट्रैफिक में चलाते हैं तो कैसा फील देता है, माइलेज कितना ओवरऑल निकल के आ रहा है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। क्यों आपको वर्टस को टॉप एंड मॉडल 1.5 लीटर इंजन के साथ में परचेज करनी चाहिए, या अगर आप एक ऐसी सेडान चाहते हैं जिसको चलाने में मज़ा आए तो क्या आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन के आंसर आज आप लोगों को वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए फटाफट से इसको चलाना स्टार्ट करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है आज इस वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल्स मैं बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, अगर आप अपनी कोई पुरानी कार के लिए स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रहे हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते हैं, सर्विस सेंटर पर जाते हैं बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, तो ऑनलाइन budmo.com एक बार आप ज़रूर से चेकआउट करिए। काफ़ी कम कीमत पर ओरिजिनल पार्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर वो पार्ट्स आपको पसंद नहीं आते हैं या आपके काम के नहीं रहते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर आप उन पार्ट्स को वापस से रिटर्न कर सकते हैं और पूरा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक बार ज़रूर से budmo.com को चेकआउट करिए। वो ही ये 1.5 लीटर इंजन, यहाँ पर इंसुलेशन प्लेट नहीं है, उसके बावजूद गाड़ी के अंदर कितनी नॉइज़ आती है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पैक किया गया है, कहीं कोई एक्स्ट्रा वायर वगैरह अजीब तरीके से नहीं दिखता है, सब कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से फिटमेंट है। रेडिएटर से इंजन की जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, अगर कभी आगे से गाड़ी टकराती है तो इंजन को ज़्यादा हार्म जो है वो नहीं होगा। और अभी आइडियल पोजीशन पे खड़ी है, कितना साउंड कर रही है वो भी आप लोग सुन सकते हैं। फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलते हैं रेड कलर के कैलिपर्स के साथ में, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, ये स्पॉइलर काफ़ी बढ़िया दिया गया है, ये देख सकते हो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। वर्टस यहाँ पर लिखा हुआ है, GT लिखा हुआ है। 16 इंचेस के गुडियर के टायर लगे गए हैं और स्पेयर व्हील भी 16 इंचेस का मिल जाता है, ये आप लोग देख सकते हो। लाइक पूरा लेआउट सीट का काफ़ी अच्छा है, पीछे दो टाइप सी पोर्ट है बट जो एसी है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हेडरेस्ट 3 आप लोगों को मिल जाते हैं और 60-40 में सीट जो है वो स्प्लिट हो जाती है। गाड़ी आप लोगों ने देखी, डिफॉगर, शार्क फिन, एंटीना, पूरा ब्लैक कलर की थीम जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। फ्यूल आप यहाँ से फील करेंगे गाड़ी के अंदर। अंदर चलते हैं, अंदर जाना बाहर जाना भी काफ़ी आसान है, एक बार पीछे बैठ के भी बता ही देता हूँ मैं आपको कि कैसे फील हो रही है। गाड़ी स्टार्ट है दैट्स व्हाई आवाज़ कर रही है। अभी सीट को मैंने बहुत पीछे करा हुआ है, उसके बावजूद भी स्पेस मोर देन इनफ है, लाइक कोई स्पेस के अंदर परेशानी जो है वो मुझे नहीं हो रही है। आर्म रेस्ट काफ़ी अच्छा है बट ये थोड़ा सा हिलता है ऐसे, आई डोंट नो क्यों प्ले इसमें पर्टिकुलरली इसी गाड़ी में होगा, दूसरी वाली वर्टस में मैंने ऐसा प्ले नहीं देखा था। तो ये चीज़ है। ऊपर आपको कोट के साथ में हैंडल बार जो है वो दोनों तरफ मिल जाते हैं, LED लाइट जो है वो भी मिल जाती है। जो स्पीकर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। गाड़ी की जो हेडलैम्प्स हैं वो किस टाइप से दिखती है वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये मेन LED लैंप्स हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, टर्न इंडिकेटर्स हैं, नीचे हेलोजन के अंदर आप लोगों को फॉग लैंप्स जो है वो मिल जाते हैं, कॉर्निंग लैंप्स जो है वो भी मिल जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, चलो फटाफट से चलाते हैं फॉक्सवैगन वर्टस 1.5 लीटर की, ये चलाने में कैसी फील होती है आपको। अभी गाड़ी ऑन है और आप सुनो कितनी साइलेंट है, लाइक बिल्कुल भी आवाज़ आपको गाड़ी के केबिन के अंदर फील नहीं होती है, इतना ज़्यादा रिफाइनमेंट इस 1.5 लीटर फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन के अंदर आप लोगों को मिलता है। चलो अब चलाएंगे। सबसे पहले हैंड ब्रेक डाउन, ये DSG गियरबॉक्स है जिसमें आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पार्क में है, ठीक है, उसके बाद में ये रिवर्स में है। जब रिवर्स में आ जाता है तो कोई टर्निंग गाइडलाइंस जो है वो आपको नहीं मिलती है, ठीक है, और ये छोटा सा कैमरा जो है वो यहाँ पर ओपन होता है। उसके बाद में न्यूट्रल, देन ड्राइव, इसके अगर एक बार फिर से कर दिया तो ये स्पोर्ट्स में आ जाता है, इधर कर दिया तो ये मैनुअल में चले जाता है। तो इतने मोड्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर मिलने वाले हैं। अभी ये D1 में है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी कई सारी चीज़ें जो है वो आपको बताता है, माइलेज भी बता देता है। लाइट्स को मैंने ऑफ कर दी है और ओके ऑटो पर डाल देता है। चलाना स्टार्ट करिए। अभी देख सकते हो मेरा राइट वाला जो पैर है वो बिल्कुल फ्री है, कार खुद से क्रॉल कर रही है अराउंड 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे। जब आप ट्रैफिक में होते हैं, जब आपको बहुत स्लो चलना होता है तब आप 6-7 की स्पीड पे ही चलना पसंद करते हैं, लाइक आपको बस टैप नहीं करना पड़ता है फुट और आप ऐसे चलते हैं। मैंने फ़ोन साइलेंट करके रख दिया है, ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस अभी अपने को चाहिए नहीं। अब चलते हैं, थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं, ये अभी गो ओके। तो कितनी साइलेंटली कार आगे बढ़ती है, लाइक एक बार को तो लगता ही है कि यार कोई इलेक्ट्रिक कार तो नहीं चला रहे अपन, मतलब लाइक बिल्कुल नॉइज़ ही नहीं है। अगर नॉइज़ आप बहुत ज़्यादा सुनने की कोशिश भी करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको टायर की नॉइज़ आती है। इतना बढ़िया इंसुलेशन और इतना बढ़िया इंजन का रिफाइनमेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलता है।
तो एक्स्ट्रा कोई नॉइज़ जो है वो आपको नहीं सुनाई देती है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है पर्टिकुलरली इस गाड़ी की। आई डोंट वॉन्ट टू बी डर्टी कार, यार गंदी कार नहीं करनी थी मेरे को, बहुत स्लोली निकाली है मैंने। अगेन यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी है, नो इशू। लेट्स अगेन कम बैक टू द टॉपिक। आपको ड्राइवर प्रस्पेक्टिव से, लाइक हैज अ ड्राइवर सीट से कैसा आपको फील होता है, कितना एरिया मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं, जैसा अपन सारे रिव्यूज़ में करते हैं। तो व्यू काफ़ी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, IRVM से ठीक ठाक काम आपका हो जाता है। बट अगर थर्ड वाला यानी कि सेंटर वाला अगर हेडरेस्ट आपका ऊपर की तरफ है तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। ORVM से भी व्यू ठीक ठाक आपको मिल जाता है, और साइज़ में दिखने में ही छोटे हैं बट आपका काम कर जाते हैं। लाइक कोई प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड मुझे फील नहीं हुई अभी तक, जितनी भी मैंने इसको चलाई है अभी तक टोटल 181 किलोमीटर के आसपास में। तो ये चीज़ है 181 यहाँ पे शो भी हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। लाइक मैं सुबह से जब से ये गाड़ी आई है ना चला ही रहा था, उस चलाने के बाद में फिर मैं आया ग्रेटर नोएडा की, याद आया कि यार चलो ग्रेटर नोएडा चलते हैं, जगह अच्छी है, थोड़ा बहुत सीटें एक्सप्लोर हो जाएगी, वो सब चीज़ें हैं। अभी उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाड़ी अर्गोनॉमिक वाइज कैसी है। तो अगर आप लाइक नॉर्मल हाइट है मेरी, ठीक है, 5'10" और नॉर्मल बिल्टअप है, सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रीच में, लाइक कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि गाड़ी के अंदर कोई ऐसे फीचर्स दे दिए गए हैं या कोई स्विचेस की प्लेसमेंट ऐसे हैं जो रीच में नहीं आ रहे हैं या हाथ बहुत दूर लेके जाना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं अभी बहुत ही रिलैक्स पोजीशन पर बैठा हूँ सीट पीछे करके, अभी सीट आगे करके चलाने की आदत होती है लोगों की, मेरी आदत पूरी अपोजिट है, मैं पूरी सीट पीछे करके चलाता हूँ अभी। तो फिर भी लाइक ये पॉइंट ऑफ व्यू से अपन शूट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ी आगे करी हुई है, अदरवाइज मैं और ज़्यादा पीछे करके चलाने की कोशिश करता हूँ, उसमें भी मैं सारी चीज़ें चला पा रहा था। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम के, क्रूज़ कंट्रोल के स्विचे, सारे स्विचेज़ यहाँ पर दिए गए हैं, और साथ के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स भी जो है वो मिल जाते हैं। ब्रेकिंग टेस्ट हुए अभी, बहुत ही अच्छी तरीके से कार ने ब्रेक करें, कोई परेशानी नहीं है। स्टिल ये 1.5 लीटर GT के अंदर कंपनी को 4 डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देना चाहिए था, ये चीज़ की कमी मेरे को फील होती है कि जब आप 18-19 लाख रुपए देते हो गाड़ी में, इतना पावरफुल इंजन है तो आपको 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं तो गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया हो जाती है, लाइक बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाती है। अभी भी नो डाउट अच्छी है, कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी, बट और ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस यहाँ पर आप लोगों के पास में बचे हैं, कंपनी कर सकती है। पैडल शिफ्टर्स भी आप लोगों को मिलते हैं, ये भी सही जगह प्लेस किए गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, बस ये थोड़ा सा प्लास्टिक वाली नॉइज जो है वो इनसे आती है। सस्पेंशन जो नॉइज है वो थोड़ा सा अंदर केबिन में आता है, ये जैसे गड्ढे में से गाड़ी निकलती है, पोर्टहोल पे से जाती है तो थोड़ा सा नॉइज़ जो है वो अंदर करती है, बिकॉज सस्पेंशन थोड़े से स्टीफर साइड रखे गए हैं और थोड़ा सा नॉइज़ उसमें है, बिकॉज बाकी दूसरा कोई नॉइज़ है नहीं, तो जब गड्ढे में जा रही है कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है तो वो नॉइज़ करेगी और वो नॉइज़ केबिन में आ जाती है, दैट्स ऑल। उसके अलावा NVH के मामले में कोई परेशानी नहीं है गाड़ी के अंदर, कोई नॉइज़ नहीं है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है, कोई हार्शनेस नहीं है, इजीली स्मूथली गाड़ी जो है वो चलती रहती है। टर्निंग रेडियस गाड़ी का बहुत ही कम है, लाइक इजीली आप टर्न कर पाते हो। स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइक अभी अगर जैसे आप लोगों को सिटी में चाहिए कि ईजी टू मनूवर हो, वो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और जब आप हाईवे पे चलाते हो तो थोड़ा सा ओवर वेट कैरी कर ले तो मज़ा आ जाए, ऐसा लाइक मेरा एक्सपेक्टेशन है। लाइक अभी भी नो डाउट वेट कैरी करता है बट इतना नहीं करता है जितना करना चाहिए, तो थोड़ा सा और ज़्यादा वेट जो है वो स्टेयरिंग पे आ जाता तो और ज़्यादा बेटर जो है वो लाइक बोलता ना कि कॉन्फिडेंस आपको हाई स्पीड पे मिलता है। बाकी उससे रिलेटेड कोई ऐसा इशू नहीं है, स्टेयरिंग बहुत ही इजी टू मनूवर है, कार आपको पूरे टाइम आपको रिस्पॉन्स करती है, फीडबैक देती रहती है। सपोज अभी इतना सा करा, गाड़ी उस डायरेक्शन में प्लेस हो जाती है, इधर से करा उधर करा, लाइक कोई डेड पॉइंट नहीं है बीच में सेंटर में, जो बहुत सारी गाड़ियों में देखा है, लाइक जो बिल्कुल हल्का सा 2-3 डिग्री का होना चाहिए वो ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी पर्पस, बिकॉज गलती से कई बार ऐसा होता है कि आप इधर उधर देख रहे हो, स्टेयरिंग हल्की सी इधर उधर हो गई, वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। बट यहाँ पर उन चीज़ों का कंप्लीट कंपनी ने ध्यान रखा है कि जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, और इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपनी ने इस स्टेयरिंग को ट्यून करा है, ठीक है। तो जो लाइक परसेंटेजेस ऑफ बायर्स हैं जो कि बहुत ही हाईवे पे चलाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एकदम परफॉर्मेंस लेने वाले हैं, वो बहुत कम होने वाले हैं। मोस्टली आप ले भी लोगे बट चलाओगे तो सिटी में ना, और वहाँ पर अगर आपको हार्ड स्टेयरिंग मिलेगा तो आप मनूवर नहीं कर पाओगे, आप थकोगे गाड़ी में, आपको लगेगा कोई सी दूसरी गाड़ी जो घर में पड़ी है उसको लेके जाए। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो स्टेयरिंग का लाइक फीडबैक है वो मुझे एज अ नॉर्मल ड्राइवर काफ़ी अच्छा लगता है, बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन या एज अ कार एंथुसियास्ट थोड़ा सा वेट अगर एड ऑन हो जाता तो अच्छा लगता,
ब्रेक्स के बारे में बात कर ली है, सस्पेंशन थोड़े से स्टीफर साइड में, बट स्टिल सभी चीज़ें मैनेजेबल होती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जर्क आ रहे हैं, आपकी कमर में पेन हो रहा है, आपके हाथ में कुछ ऐसा पेन हो रहा है, या लाइक आपको बहुत अंडुलेशंस वगैरह फील हो रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती है। बट स्टिल ये एक कहीं ना कहीं स्पोर्टी और सेडान जैसी वाइब्स आपको दे देती है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक जैसे ये वर्ना चल रही है होंडा सिटी, वो एकदम कम्फर्ट को ध्यान में रखे बनाई गई है। इसके अंदर परफॉर्मेंस और कम्फर्ट का मिक्सचर आपको मिलता है। दैट्स वाई आप फॉक्सवैगन GT लाइन पर जा रहे हो, तो उस चीज़ में आपको लाइक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज कार काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन सेटअप के साथ आती है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका सस्पेंशन सेटअप। गियरबॉक्स कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं मैनुअल में डालूं। लाइक DSG गियरबॉक्स इतना स्मूथ, इतना अच्छे लाइक शिफ्ट ऑफर करता है। हर बार गाड़ी सही गियर में होती है, आपको गियर्स के नंबर यहाँ पर बताता रहता है, ठीक है। आपको माइलेज क्या मिल रहा है वो बताता है, माइलेज शोन बाद में आ रहे हैं। तो वो एक सब चीज़ें हैं कि गेयरबॉक्स के मामले में कोई शिकायत कर ही नहीं सकते। जिस प्राइस पॉइंट पे जो गेयरबॉक्स की ट्यूनिंग जिस इंजन की परफॉर्मेंस के साथ में मिल रही है वो परफेक्ट है, तो वहाँ पे मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आप लोग जो है सारा काम कर सकते हो, इजीली आप इसको शिफ्ट करना है कर सकते हो, मैनुअल शिफ्टिंग के साथ करना है वो आप कर सकते हो। तो सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने लाइक पूरा एकदम R&D करके यहाँ पर आप लोगों को दिया है। तो इसमें कोई ऐसे इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं, कंपनी डेफिनेटली अपडेट लेके आएगी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगी, तो गाड़ी और ज़्यादा परफेक्ट होगी। बट स्टिल गाड़ी का जो गेयरबॉक्स है वो अभी क्लोज टू द परफेक्ट जो है वो है, कोई कंप्लेन इसमें एज एन सच निकलती नहीं है। बट जब आप हाईवे पे चलाते हो, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रिपल डिसिट कर रहे होते हो, तो जो अपशिफ्ट है वो तो हो जाते हैं, डाउन शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो होते हैं, वहाँ पर कंपनी अभी भी इंप्रूवमेंट कर सकती है। बट जब आप सिटी में नॉर्मल 80-100 पे चला रहे हो, कोई कंप्लेन आप इस पर्टिकुलरली गेयरबॉक्स के साथ में नहीं करने वाले। दूसरी बात में यहाँ पर दो डमी बटन दिए गए हैं, और जो ये अपना क्या बोलते हैं लाइक वेंटिलेटेड सीट के बटन दिए गए हैं, ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए को ड्राइवर का, लाइक यहाँ पर जो पैसेंजर बैठे हैं उनका, और ड्राइवर का ड्राइवर साइड होना चाहिए। अब यहाँ पर वो चीज़ जो है वो कंपनी ने नहीं करी है, लाइक ड्राइवर का और को पैसेंजर का दोनों का ही एक साथ दे दिया गया है, एक ही तरफ दे दिया गया है। तो वो एक मेरे को लगता है कि इसको थोड़ा सा बेटर प्लेसमेंट जो है वो किया जा सकता था। दैट्स ऑल। AC की परफॉर्मेंस कैसी है, तो एक नंबर पर आप AC को चला के रखोगे, अभी जैसे 35 डिग्री, ठीक है, प्लांट वगैरह गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, इवन तो जब मैं ये शूट कर रहा था बाहर इंट्रो वगैरह उसमें ही पूरा पसीना आ गया था, उसके बावजूद भी अभी जब गाड़ी एक या दो नंबर के AC पे है तो अभी मैंने वेंट्स ऑटोमेटिकली उधर कर दिए, ठीक है, बिकॉज गाड़ी ठंडी हो गई। गाड़ी के अंदर 20 डिग्री पे टेम्परेचर मैंने रखा है, ऐसा भी नहीं है लोएस्ट 16 पे कर दिया, 17 पे कर दिया, 20 डिग्री होने के बावजूद लाइक गाड़ी एकदम बढ़िया चिल हो रही है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत फास्ट चला रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको AC से रिलेटेड भी कोई कंप्लेन आने वाली है। बस अभी जो एक या दो नंबर पे है, मे बी पॉसिबल जब 45 डिग्री 47 डिग्री 48 डिग्री दिल्ली में चले जाता है, राजस्थान में चले जाता है, या अलग अलग जो जगह पे जाता है, वहाँ पर आप गाड़ी का जो AC है उसको 3 या 4 नंबर पे रखोगे, ठीक है, वो भी थोड़ी देर तक, उसके बाद में आप वापस से कम कर लोगे कितनी भी हीट होगी, तो आपका जो AC है वो अच्छी तरीके से काम कर लेता है और वो मैनेज करता है। ऑटो ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, गाड़ी अगर मैं कहीं रोक देता हूँ गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, जैसे लगता है कि गाड़ी का टेम्परेचर लो हो रहा है गाड़ी खुद से ठंडी होना स्टार्ट करने के लिए इंजन को किक इन कर देती है। तो अगेन सब चीज़ों का प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट यहाँ पर किया गया है। दूसरा अगर बात करें कि जो गाड़ी का लाइक ओवरऑल माइलेज है वो कितना मिलता है, तो यहाँ पर आप लोग सिटी में अगर चलाओगे तो आप समझ लो कि आप अगर मिक्स ड्राइविंग कंडीशन में चला रहे हो तो आपको टैंक टू टैंक 11-12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मिलेगा। ये मैं आपको बिल्कुल एकदम लीस्ट बता रहा हूँ कितना आपको मिल जाएगा, बट आप बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी तरीके से एक्सेलरेट कर रहे हो तो सिंगल डिजिट में माइलेज चले जाएगा। बट अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, आई एम डैम श्योर कि अगर आप 100 की स्पीड मैनेज कर रहे हो इस गाड़ी से, आप 17-18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो निकाल सकते हो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट माइलेज है इन सेगमेंट। अगर देखा जाए जिस पावर आउटपुट की अपन बात करते हैं, जो पावर आउटपुट ये गाड़ी प्रोड्यूस करके आपको देती है, उतने पावर के साथ में जो ये माइलेज निकालती है, दैट्स वाई वो वन ऑफ द बेस्ट माइलेज है, वो वन ऑफ द बेस्ट माइलेज फिगर है। तो लाइक 17-18 का माइलेज मैंने खुद ने टेस्ट करा हुआ है, तो इस इंजन के साथ में, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली इस गाड़ी के साथ में मैंने टेस्ट नहीं करा, बट इस इंजन के साथ में टेस्ट करा है। मैंने टाइगन में चलाया है और साथ ही साथ मैंने इसको कुशाक में भी चलाया है, स्लाविया में भी चलाया है, इसमें मैंने इसको आज ही चलाया है। बट अगेन स्लाविया के कंपेयर में ये गाड़ी कैसी है, तो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ इस, ये पूरा जो लेआउट है डैशबोर्ड का वो ज़्यादा बेटर है, जो सीटिंग पोजिशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी, डोंट नो वाई, है ऑलमोस्ट सिमिलर, बट एक जो अच्छी वाइब्स आती है क्यों पता नहीं मेरे को वर्टस में आई।
उनको अच्छी लगी वर्टस चलाने में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा साइलेंट लगी। अब ये भी ढूंढ लो क्यों, बिकॉज गाड़ी पूरी ऑलमोस्ट सेम है। लाइक आप उसको अगर बूट चेक करोगे साइड बाय साइड खड़ी करके, सेम, बहुत सारे कंपोनेंट्स सेम, इंजन सेम, प्लेटफॉर्म सेम, उसके बावजूद भी होता है कैसा कि पर्टिकुलरली आपको वाइब आती है एज अ ड्राइवर, तो मुझे इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर वाइब थोड़ी सी ज़्यादा बेटर आई। मुझे वर्टस ज़्यादा अच्छी लगी स्लाविया से, चलाने के मामले में, कंट्रोलिंग के मामले में, या जो भी बोला जाए। तो अगर मेरे को एक चूज़ करनी पड़ेगी तो मैं वर्टस चूज़ करूँगा कंपेयर टू स्लाविया। तो ये सभी चीज़ें हैं और आई थिंक मैंने आप लोगों को सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बता दी है। स्पीड ब्रेकर पे से अगर जैसे अभी निकल रहे हो तो स्लो करके निकलो तो बढ़िया, हाई स्पीड पे निकल जाओगे तो अंदर ठाक ठाक ऐसी आवाज़ आएगी, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ आपने हिट कर दिया है। म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही अच्छा है, जिनको बहुत ही ज़्यादा लाउड बेस पसंद है थोड़ा सा अपडेट कर सकते हो बेस ट्यूब वगैरह डाल के, बट स्टिल आपका काम अच्छी तरीके से बन जाता है, आप कोई कंप्लेन नहीं करोगे। बट आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर हो तो कोई सी भी गाड़ी आपको दे दो, आप सोचोगे ये भी अपडेट हो सकता है, वो भी अपडेट हो सकता है, डैम्पिंग भी आप करवा सकते हो, सब चीज़ें करवा सकते हो। तो अगेन मुझे कोई परेशानी नहीं है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं वायरलेसली, सॉरी एंड्रॉयड ऑटो का नहीं होता, एप्पल कारप्ले, हाँ मैंने एप्पल कारप्ले यूज़ करा तो मैं एप्पल कारप्ले का बोल सकता हूँ। ईजिली काम कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है और मेरा काम ईजिली बन रहा है। माइलेज मैंने आपको बता दिया है, स्टेयरिंग की बात कर ली, सस्पेंशन की, ब्रेक्स की, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। पीछे वाली सीट भी अगेन कंफर्टेबल है, कोई परेशानी नहीं है, बट सीट थोड़ी सी स्टीफर साइड में फील होती है पीछे वाली, अगर वो थोड़ी सी सॉफ्टर साइड होती तो मैं इसको और ज़्यादा जो है लाइक बेटर बोलता। ये एक चीज़ें हैं। अब मेरे पास में अनफॉर्चुनेटली गाड़ी रात में नहीं है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि अंदर एम्बियंस कैसा है, गाड़ी की हेडलाइट की विजिबिलिटी वगैरह कैसी है। जब थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होगी मैं एग्जैक्ट फ्यूल टैंक लाइक फुल करवा के ब्रेम टू ब्रेम आपको टेस्ट करके बता दूंगा, और जो हेडलाइट है उसका थ्रोज वगैरह कैसे हैं वो बता दूंगा, एम्बियंस कैसा रहता है रात में वो सब चीज़ें मैं टेस्ट करके बता दूंगा। तो बस यही चीज़ है और सभी चीज़ें आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी है। अगेन डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फेसबुक पे मैसेज करो, जहाँ पर भी आप अवेलेबल हो, मैं सब जगह अवेलेबल हूँ, आप जहाँ पे आपको कन्वीनियंस हो आप मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ, राइड सेफ।